वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाचन तंत्र में आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में मुखगुहा आहार नाल के बारे में पढ़ा था, आज हम आमाशय और आंतों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या करते हैं कि ग्रास नली के बाद आमाशय आता है, ग्रास नली वक्ष गुहा को पार करते हुए उदर गुहा में प्रवेश करती है और उदर गुहा में आमाशय जो कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, इसमें हमारा भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। ग्रास नली पायरो कार्डियक वाल्व के द्वारा आमाशय में खुलती है और आमाशय में 3 भाग, पायलोरिक भाग, फंडिक भाग और सीसा, ये 3 भाग होते हैं जहां पर भोजन कुछ समय के लिए एकत्र किया जाता है। इसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत प्रवेश करता है, आमाशय और छोटी आंत के बीच में पायलोरिक भाग होता है जहां से भोजन धीरे धीरे गाय के फॉर्म में आगे बढ़ता है। छोटी आंत में आने पर उसमें 2 तरह के रस, एक हमारा पित्त रस और एक आंत्रीय रस, सॉरी अग्न्याशय रस, ये हमारे भोजन में मिलता है। आमाशय में भोजन का माध्यम क्षारीय होता है जो कि यहाँ पर कुछ मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच मान 2 से लेकर 3.5 तक होता है, जो भोजन का पाचन अम्लीय मात्रा में करता है। फिर छोटी आंत जिसको हम यहाँ पर 3 भाग मान सकते हैं, ग्रहणी, मध्यांत और शेष आंत। ग्रहणी में यकृत से यकृत रस, सॉरी पित्त रस और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस हमारे भोजन में मिलता है। पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है जबकि अग्न्याशय में उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में करते हैं। हमारी छोटी आंत में भोजन धीरे धीरे इसका पाचन होता है और हमारा भोजन जल में घुलनशील अवस्था में आ जाता है। यहाँ देख रहे छोटी आंत की जो भीतरी दीवार है उस पर अनेक अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम रसांकु या विलायी बोलते हैं। यह विलायी भोजन का अवशोषण करते हैं, जो भोजन जल में घुलनशील अवस्था में आ गया है उस भोजन का अवशोषण इन रसांकु द्वारा किया जाता है और यह रसांकु इस भोजन को अवशोषित करके सीधे रुधिरवाहिनियों में मिला देते हैं जो सीधे हमारे यकृत में भेज दिया जाता है। इसके पश्चात हमारा भोजन छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी एक संरचना है जिसका व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। इसमें भोजन से अतिरिक्त जल का अवशोषण किया जाता है। भोजन से अतिरिक्त जल का अवशोषण करने के पश्चात जो भी अपचित शेष पदार्थ बचा होता है इसको यह धीरे धीरे हमारे मलाशय में एकत्र कर दिया जाता है तथा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो छात्र आप देख रहे हैं किस तरह से भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। इसके पश्चात हम पोषण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है पोषण होता क्या है। हमको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हम भोजन से प्राप्त करते हैं। और अगर भोजन देखा जाए तो भोजन के आधार पर इस जगत में 2 तरह के जीव हैं। पहले ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें हमारे हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश और जल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और भूमि से जल को ग्रहण करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाती है। इसमें सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है जिसको बाकी जीव श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं, साथ में कुछ मात्रा में जल का निर्माण भी होता है। और जो बाकी जीव है जो परपोषी कहलाते हैं या जिनको परपोषण करते हैं, यह वनस्पतियों द्वारा बनाए गए भोजन जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है, ये इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है जिससे सभी जीव जंतु अपना कार्य करते हैं। अब अगर देखा जाए कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं, तो इससे भी हम देखते हैं कि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं जिसको आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण। इसमें आपने पढ़ा है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो यहां पर देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। एक हमारा क्या प्रकाशित कर दिया, प्रकाशित अभिक्रिया, इसको मतलब लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारा है अप्रकाशित अभिक्रिया। इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। जैसा कि नाम से अल्पट चल रहा है कि प्रकाशित क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है और अप्रकाशित क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, अर्थात इसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम देखते हैं कि प्रकाशित क्रिया में क्या क्या होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सूर्य जितने हमारे पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। सुबह के समय जब सूर्योदय होता है उसी समय से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती रहती है और शाम तक होती है। कभी तेज होती है, कभी यह धीमी होती है, यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसमें प्रकाशित क्रिया में केवल एक ही क्रिया होती है कि यहां पर केवल जल के द्वारा जल का अपघटन होता है। प्रकाश क्रिया द्वारा जल का अपघटन होता है और वहां से हाइड्रोजन आयन की निर्मित होती है। इसे याद रखते हैं जल इसको जब पौधे की पत्तियों में यहां पर ग्रेना और स्ट्रोमा हरितवक में ग्रेना और स्ट्रोमा दो पदार्थ होते हैं। तो वहां पर ग्रेना में जल का अपघटन होता है और यह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन में हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन ये निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट के साथ मिलकर करके ये हाइड्राइड बना देता है इसका NAD NADPH+ और साथ में जो हाइड्रोक्साइड आयन बना है इसके चार मॉलिक्यूल मिल करके जल के दो अणु बनाते हैं। तो ये इतनी प्रक्रिया हमारे प्रकाश प्रक्रिया होती है। यहां पर बना हुआ जल का अणु ये वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है जबकि जो हमारा यहाँ हाइड्रोजन आयन बना है यह अप्रकाश प्रक्रिया में ले देता है। अप्रकाशित क्रिया में केल्विन चक्र के द्वारा इस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में मिलकर के छह कार्बन की श्रृंखला ग्लूकोज का निर्माण करती है। इसको हम लोगों ने भी देखा।